स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर 21. नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 22. दिस एंड दिस दैट एंड दोज. स्टूडेंट ये जो टाइटल है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अंडरस्टूड करना इसको समझना इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके सो आपको पता है कि हम ये दिस और ये दिस कब यूज़ करते हैं. जब कोई एक पर्सन की बात है तो ये वाला दिस, ज़्यादा की बात है तो दिस, बड़ा वाला दिस जिसे आप कहते हो दिस इसका यूज़ करना है. और अब आई बात दैट, तो दैट किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए कि जो हमारे पास नहीं है बट थोड़ी दूर है उसको इंडिकेट करने के लिए दैट यूज़ करते हैं. और वहीं बात वो चीज़ ज़्यादा है, वो पर्सन ज़्यादा है और उनको इंडिकेट करना है कि जो हमसे थोड़ा दूर है तो उसको बताने के लिए दोस, पास वाली चीज़ को बताने के लिए भी ये दिस. अगर एक हो तो दिस, ज़्यादा हो तो दिस, और दूर है पर थोड़ी चीज़ें, एक चीज़ है सॉरी, तो दैट, और ज़्यादा है तो दोस. ओके सो नाउ लेट्स वी लर्न, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड दिस सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे कुछ सेंटेंस है उसको हम रीड करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दिस और दिस का यूज़ क्या है. वी यूज़ दिस एंड दिस फॉर नेमिंग वर्ड्स विच आर नियर अस. आपको मैंने बताया कि ये जो दिस और दिस है वो उसमें से दैट और दोस है, तो दोनों में से दिस और दिस किसके लिए यूज़ होता है, हमारे पास चीज़ है, हमारे नज़दीक है, नियर टू अस, हमारे नियर है उसको बताने के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं. दिस जैसे कि दिस इज़ एन एलिफेंट, तो वो पास है. अब ये बुक थोड़ी दूर है मानो, बता रहे हैं तब की बात है, तो सॉरी दूर नहीं पर ज़्यादा है तो नज़दीक. दीज आर बुक्स. ओके वी यूज़ दैट एंड दोस द नेमिंग वर्ड्स दैट आर फार फ्रॉम अस. फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दीज और दीज का यूज़ है वो हमारे नज़दीक चीज़ें उसके लिए हम यूज़ करते हैं. अब बारी आई दैट और दोस, तो फार यानी कि हमसे दूर है उसको बताने के लिए दैट का यूज़ होता है. जैसे कि दैट इज़ बर्ड, दैट इज़ अ बर्ड, एक है इसलिए दैट, दूर भी है एक है इसलिए दैट. अब दोज आर बोट्स, दोज आर बोट्स, दूर भी है और ज़्यादा है इसलिए दोज. ओके नाउ दिस एंड दैट फॉर नेमिंग वर्ड्स दैट मीन वन. अब दिस और दैट का हम यूज़ कब करते हैं, कोई भी एक चीज़ है उसके लिए. जैसे कि दिस इज़ अ जिराफ, यह एक जिराफ है, दैट इज़ अ काइट, वो एक काइट है. अब दिस और दोस का, तो दिस और दोस ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ के लिए, मोर देन वन. वी यूज़ दिस और दोस फॉर नेमिंग वर्ड्स दैट मीन मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो उसके लिए क्या यूज़ होता है, दिस और दोस. अब देखो दीज आर पेन्स, तो यहाँ पे दीज आर पेन्स, यह पेन है, एक से ज़्यादा है इसलिए दीज का यूज़ हुआ. ओके और नज़दीक है. अब दोज आर बलून्स, ज़्यादा भी है दूर है इसलिए क्या यूज़ हुआ, दोज. ओके सो लाइक दिस हमें एक्सरसाइज ए है वो करनी है. फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस और दिस. देखो टी एच आई एस दिस यानी कोई एक चीज़ के लिए, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और दिस टी एच ई एस ई दिस वो ज़्यादा यानी कि प्लूरल के लिए यूज़ होता है. फर्स्ट है बॉय, तो बॉय सिंगुलर है तो दिस. फिर रोज, एक रोज की बात है तो दिस. टेडी बियर, तो एक की बात है तो दिस. बेड, एक की बात है तो दिस. केप, एक ही है तो दिस. अब नंबर सिक्स में देखो चेयर्स ज़्यादा हुई, कैसे पता चला कि ज़्यादा है, पीछे ए से आई एस पुट किया होगा,
जिससे पता चलेगा कि ये ज़्यादा है तो इसमें बड़ा दिस आएगा, टी एच ई ए सी दिस। देखो टॉयज तो ये भी ज़्यादा की बात है तो इसमें भी आएगा दिस, फिर गर्ल्स तो भी दिस, टेबल्स एंड बुक्स। सारी जो 6 to 10 में चीजें वो एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है, इसलिए इसमें टी एच ई एस ई जो आप बड़ा वाला दिस बोलते हुए वो आएगा। ओके नाउ टर्न द पेज, अब फिल इन द ब्लैंक्स विद डेट और दोज। अब जो ब्लैंक्स है उसे हमें डेट टी एच ए टी डेट और दोज टी एच ओ एस ई दोज। फिर से डेट कब यूज़ होगा, कोई भी एक चीज़ के लिए, दोज कब यूज़ होगा ज़्यादा चीज़ के लिए, बट वो चीज़ कैसी होनी चाहिए हमसे थोड़ी फार होनी चाहिए दूर। अब देखो बर्ड्स है तो एक एक ज़्यादा बर्ड्स आया तो ऐसा आया ना पीछे बर्ड्स तो वो ज़्यादा है इसलिए इसमें क्या आएगा दोज। फिर सेकंड वाला है पैकेट तो वो सिंगुलर है इसलिए दैट। फिर थर्ड वाला बुक तो दैट बुक, दैट पपी दैट बोट, क्योंकि पैकेट बुक पपी बोट ये सारे सिंगुलर है, एक ही चीज़ की बात है इसलिए दैट। अब सिक्स बैग्स, देखो डक्स शूज फ्लैग्स फैंस, 6 to 10 प्लूरल वाले हैं तो यहाँ पे आएगा दोस। ओके नाउ एक्सरसाइज नंबर सी, टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। निक्की प्लीज पेंट दिस पिक्चर, एक पेंट पिक्चर की बात है तो दिस। दैट एरोप्लेन इज अप इन द स्काई, दूर की बात है और एक एरोप्लेन की बात है इसलिए दैट। फिर दिस चेयर्स आर न्यू, प्लूरल है और चेयर्स को बताना है तो पास ही होगी ना तो इसलिए दिस बड़ा वाला दिस, और दोनों की दिस पास या दूर है वो नहीं देखना है, अभी सिंगुलर है तो दिस, ज़्यादा है तो दिस टी एच ई एस सी, तो यहाँ पे चेयर से ज़्यादा है तो दिस। यू नो बलून तो दिस या दिस बलून, एक बलून की बात है इसलिए दिस छोटा वाला टी एच आई एस दिस। ओके फिर दैट पीकॉक ऑन द रूफ ऑफ द हाउस इज ब्यूटिफुल, तो ये पीकॉक एक की बात है इसलिए दैट। अब क्लाउड्स आर ग्रे इन कलर तो ज़्यादा है क्लाउड्स तो दोस। ओके नाउ एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ दैट और दोस। फर्स्ट में है ब्लैंक्स हिल्स, हिल्स ज़्यादा है तो क्या आएगा, हिल्स ज़्यादा भी है और दूर भी, यानी कि दूर इंडिकेट किया हुआ है तो यहाँ पे आएगा दोस। सेकंड वाला है दैट हट, पास में है सिंगुलर है इसलिए दैट। फिर थर्ड दैट टेलीफोन, एक की बात है दैट और दोस का यूज़ करना है इसलिए दैट, और बार्स तो दोस। स्टूडेंट आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑफ चैप्टर 22 इनटू ग्रामर बुक। ओके स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।